आपको बता दू की अभी प्रीवियस वीडियो में जो इस सीरीज में हमने किया है चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर थ्री एंड फिफ्थ एंड सिक्स जिनका वटेज हाई है और बहुत वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चैप्टर को हम कम्प्लीट कर रहे हैं चैप्टर नंबर वन में बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं हर कोई इसको कर लेगा और स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर फोर है वो भी बहुत छोटा सा और उसका भी उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहता अगर टाइम बचेगा तो इस सीरीज़ में हम उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे बट पहले हमारा यहाँ पे टारगेट ये है कि एच पी टेट के लिए हम उन टॉपिक्स को उन कंसेप्ट को उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें जो कि बहुत हाई वेटेज अपना रखते हैं सो so, आज हम हेल्थ बहुत सारी क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे तो एडिशनल क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी जो की एनसीआर टी आउट ऑफ एनसीआर टी भी इस चैप्टर से बहुत कुछ पूछा गया है सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था अकॉर्डिंग टू में यहाँ पे होना चाहिए था कैरियर ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ इज ठीक है तो प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया अगर आपसे कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा जाए तो मलेरिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है दैट इज प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया को लेकिन उसे फैलाता कौन है उसके लिए कैरियर या फिर वेक्टर जो है एक मच्छर होता है और वो स्टूडेंट एनाफ्लिस फीमेल एनाफ्लिस मस्किटो होता है यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं मलेरिया से जो प्लाज्मोडियम स्पीशीज है यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको ध्यान में रखने हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्टूडेंट प्लाज्मोडियम की तीन स्पीशीज हैं कौन कौन सी एक है वाइवेक्स एक है प्लाज्मोडियम मलेरिया और तीसरा जो नाम है वो है प्लासमोडियम फेल्सीपेर ये तीनों ही स्पीशीज जो है मलेरिया कॉज करती हैं और इनमें से आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे डेडली और जो मेलिगनेंट मलेरिया होता है वो प्लास्मोडियम फेल्सीपेरम कॉज करता है राइट ये आपको एकदम ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर इन अवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसिस इनवेटर तो अब जब बॉडी में कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट वहां पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है जो की उस पर्टिकुलर जो है जो आपकी क्या कहते हैं उसको सॉरी ये एंटीबायोटिक है यहाँ पे एंटीबॉडीज लिख रखा है तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी जो एंटीजन के लिए काम करेगी मा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटर कर रहा है वो एक्ट करेगा एज अ एंटीजन और वहां पे फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टॉक वैक्सीन जो है किस चीज के लिए यूज होती है वैक्सीनेशन दी जाती है अगेंस्ट विच डिजीज तो यहाँ पे ए स्मॉल पॉक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे स्मॉल पॉक्स रेबीज पोलियो मीजल ये चारों के चारों नाम जो है ये आपको ध्यान रखना है कि सभी के सभी वायरल डिजीजेस हैं वायरस से होने वाली ये डिजीजेज हैं पोलियो पोलियो वायरस कॉज करता है और यहाँ पे जो रेबिस डिजीज है उसे रेबिस वायरस कॉज करता है और यहाँ पे जो स्टूडेंट स्मॉल पॉक्स यहाँ पे लिख रखा है तो स्मॉल पॉक्स कॉज करता है दैट इज सॉरी वायरियोला वायरस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर तो अगर आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ वैक्सीनेशन तो भी एडवर्ट जेनर आंसर होगा इम्यूनाइजेशन के कंसेप्ट में भी इन्होंने जो है वैक्सीनेशन के साथ को रिलेट करा है उसे तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन की डिस्कवरी करी थी किस डिजीज के लिए की है यहाँ पे पूछा गया है तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्मॉल पॉक्स डिजीज के लिए उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन डिस्कवर करी हुई है

वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है वो कोई वायरस हो सकता है वो कोई प्रोटोजोआ हो सकता है या फिर वो कोई वर्म भी हो सकता है अब हर जगह से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फैल रही है तो ऐसी डिजीजेस को कॉम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं और इसके अपोजिट होती है नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीजेस दो और नेम मैं आपको के बताती हूँ हो सकता है कभी उसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एक होता है स्टूडेंट एक्यूट डिजीजेस और दूसरी टर्म होती है क्रॉनिक डिजीजेस एक्यूट डिजीजेस वो होती है जो बहुत ज्यादा कम समय के लिए होती है बिल्कुल कम टाइम के लिए और क्रॉनिक जो लंबे समय तक ठीक है लंबे समय तक किसी को हो जाएगी टाइम के लिए तो उसे हम क्रॉनिक डिजीजेस कहते हैं जैसे एड्स हो गया वो आपका क्रॉनिक इन्फेक्शन है कोल्ड आपका एक्यूट इन्फेक्शन है इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे ये टाइम से को रिलेट करता है कितने ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वो डिजीज हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज हेपेटाइटिस बी इज कॉज बाय तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वायरल डिजीज है और हेपेटाइटिस बी जो है स्टूडेंट एक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है एस टी डी राइट एस टी डी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और हेपेटाइटिस बी एक एस टी डी है और वायरस इसको कॉज करता है नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट पॉल्यूटेड वाटर पोल्यूटेड वाटर मतलब ऐसा कोई वाटर है जो बहुत पॉल्यूटेड है तो उसमें किस ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस को देखा जाता है जो इंडिकेट करता है उस वाटर पॉल्यूशन को तो स्टूडेंट यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा स्कैरिशिया कोलाइन नेक्स्ट क्वेश्चन इफ अ पर्सन गेट प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम ही इज लाइकली टू हैव बहुत समय से प्रोटीन की uh, कमी उसकी बॉडी में है डाइट में नहीं ले रहा है प्रोटीन तो क्या हो जाएगा स्टर्न ग्रोथ स्वेलिंग ऑफ फेस डिसकलरेशन ऑफ हेयर ऑल ऑफ डेज यहाँ पे इसका सही आंसर ऑल ऑफ डेज हो जाएगा यही सभी चीजें जो है उसके बॉडी में सिम्टम देखने को मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडीज मस्कटो इज अ वेक्टर ऑफ तो ये जो मच्छर लोग हैं ये तीन ऐसे मच्छर हैं जो वेक्टर करते हैं कॉमन डिजीजेस के लिए एक तो पहला क्वेश्चन हमने देखा मलेरिया के लिए जो कैरियर या वेक्टर होता है वो फीमेल एनाफ्रीज मस्किटो होता है और एडीज जो है मस्कीटो किस डिजीज के लिए होता है वेक्टर अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है डेंगू के लिए होता है ठीक है डेंगू के लिए और तीसरा एक डिजीज है फ्लैरिस जो है या फिर इसे हम एलिफियंटेसिस भी कहते हैं इसके लिए जो है Now, वो कौन सा मच्छर जो है वेक्टर होता है दैट इज क्यूलेक्स मस्किटो क्यूलेक्स अदर नेम से भी पूछी जाती है या इसे एलिफेंटेसिस ये ऐसी डिजीज है जिसमें ह्यूमन की लेग जो है वो हाथी जितनी बड़ी हो जाती है इसीलिए इसको एलिफेंटेसिस कहते हैं और ये एक तरह का वर्म वर्म इंफेक्शन है ठीक है वर्म कॉज करता है इसको इसलिए इसको भी माइंड में रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स एच आई वी किल्स तो जब एड्स हो जाता है तो एच वायरस क्या करता है वो टी हेल्पर सेल्स को हमारी बॉडी में क्या कर देता है किल करता है कुछ क्वेश्चन में आपको यहाँ एड्स से बता देती हूँ जो आपको एकदम माइंड में रखने हैं देखिए फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए और ये आप सभी को आती होंगी ठीक है अगर आप टेट की तैयारी करें एच आई वी और एड्स के क्वार एंड एच आई वी इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशी वायरस तो सबसे पहले इसके बारे में क्वेश्चन सारे के सारे नोट कर लीजिएगा फर्स्ट जो इसका केस था वो रिपोर्ट किया गया था 1981 में और ये वैलिड है अकॉर्डिंग टू अब जब मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को इन्फेक्शन होता है ठीक है क्या हो गया उसे इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन से लेके उसकी बॉडी में सिम्टम्स जो है जब तक उसे दिखेंगे ठीक है जब तक सिम्टम्स आएंगे उसके बीच में लैग पीरियड होता है क्या होता है लैग पीरियड उसे कहते हैं मतलब कि बहुत एक लंबा समय होता है वो टाइम कितना हो सकता है फाइव टू टेन इयर्स के बीच में मतलब इन्फेक्शन अगर मान लो आज किसी को डिटेक्ट हुआ है कि उसे सिम्टम दिख रहे हैं एच के तो उसकी बॉडी में वो जो वायरस है एच वायरस वो बहुत पहले यानी कि पाँच से दस साल पहले एंटर कर चुका है उसकी बॉडी में इन्फेक्शन तब हो चुका है तो जो टाइम पीरियड है इसे क्या कहते हैं लैग पीरियड कहते हैं और ये एक तरह की क्रॉनिक डिजीज़ है ये अटैक करती है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे इम्यून सिस्टम की जो टी हेल्पर सेल्स हैं टी एच सेल्स भी ने कहते हैं उन पर अटैक करती है जिसकी वजह से पेशेंट जो है इम्यूनो डेफिशियंट हो जाता है इसको डिटेक्ट करने के लिए जो होता है, ELISA. और ELISA की क्या होती है दैट इज एंजाइम सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कोई सा भी लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे ये इसकी फुल फॉर्म है और स्टूडेंट ये जो एच आई वायरस है ये एक एस टी डी बी एस एक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है और इसकी वजह से क्योंकि इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा वीक हो जाता है तो दूसरी जो अदर डिजीज़ेस होती हैं लाइक टाइफॉइड टी तो ये डिजीज़ेस उस पर्सन की बॉडी पर अटैक करती है जिसकी वजह से उसकी डेथ तक भी हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्नॉर्मल रेज इन आरबीसी काउंट इज कॉल्ड अचानक से आरबीसी का नंबर बढ़ जाना बॉडी में उसे हम क्या कहते हैं तो बोन मैरो के अंदर अगर जो आपका आरबीसी बनने का प्रोसेस वो एकदम से बढ़ जाता है तो एक तरह का वो ब्लड कैंसर एक्ट करता है और उसे हम पॉलीसाइथीनिया कंडीशन कहते हैं डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अदर टर्म जो यहाँ पे देखे रखी है उन्हें भी डिस्कस करते हैं अगर यहाँ पे आरबीसी की जगह डब्ल्यू लिखा होता तो आपका ऑप्शन ए ल्यूकोसाइटोसिस करेक्ट होना था और इरिथ्रो पॉइसिस क्या है इरिथ्रोपोइसिस में क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के लिए उसे कहते हैं जब वो बन रहे हैं राइट right? और एक और यहाँ पे है दैट इज इोसाइटोपीनिया इसका मतलब क्या होता है जब आरबीसी का जो नंबर है वो घट जाता है कम हो जाता है तो सारी टर्म्स आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ल्यूकेमिया इज ड्यू टू ल्यूकेमिया कंडीशन जनरली हम इसे ब्लड कैंसर भी कह देते हैं कॉमनली और ये जो है डब्ल्यू का नंबर जब बढ़ जाता है उस कंडीशन को कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विनम ऑफ कोबरा अटैक तो जो एक कोबरा से निकलने वाला जहर होता है वो किस पे हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है जनरल सा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन गिवन अगेंस्ट तो ये जो बीसीजी वैक्सीन होती है ये पर्टिकुलर एक डिजीज़ इज़ ट्यूबरकुलोसिस, उस डिजीज के लिए दी जाती है सी ऑप्शन यहाँ पे जो है स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा और बीसीजी की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं दैट इज बेसिले कालमिटे ड्यूरेन ओके okay. और ये स्ट्रॉन्ग वैक्सीन मानी जाती है और पंद्रह साल तक, तक तकरीबन ये प्रोटेक्शन किसी इंडिविजुअल को दे सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन है एच आई विच ऑफ द फॉलोइंग सेल तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया टी हेल्पर सेल्स को अटैक करती है मीना माता डिजीज इज कॉज्ड बाय तो मरकरी की वजह से जो है ये डिजीज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट कॉज पोलियो तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पोलियो एक वायरल डिजीज है तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बेसिक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इस चैप्टर से वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन ए टेटनस ठीक है टेटनस डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं रिलेट करता है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है बैक्टीरिया कॉज करता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाए आप नोट कर लेंगे कौन सा टेटनेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका है जो कि एक बैक्टीरिया है है और ये हमारे ब्रेन के टिश्यूज को डैमेज करता न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इसे कंसीडर किया जाता है और इसकी वजह से इसे लॉक जॉ डिजीज भी कहते हैं जब ये बहुत बढ़ जाती है तो एकदम से जॉ एकदम लॉक हो जाते हैं मतलब ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है काला आजार डिजीज इज कॉज्ड बाय कालाजार डिजीज को स्टूडेंट ये फीटल है नाइनटी फाइव परसेंट केसेज में इससे डेथ हो जाती है तो फीटल मानी जाती है इसे ब्लैक फीवर डिजीज भी कहते हैं और इसे दम दम फीवर डिजीज भी कहते हैं कॉज इसको कौन करता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेशमेनिया डोनोवानी इसका सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ड्यू टू बाइट ऑफ तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया फ्लैरिस भी इसे कहते हैं तो जो मॉस्किटो है वो इसके लिए वेक्टर होता है जब वो बाइट करता है किसी इंडिविजुअल को तो ये डिजीज होता है टेक द प्रोटोजोअन डिजीज अब यहाँ पे देख लीजिए प्रोटोजोअन डिजीज जो है कौन सी है पोलियो वायरल है इन्फ्लुन्जा भी वायरल है और टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दैट इज डाइसेंट्रिक और अगर पर्टिकुलर प्रोटोजोन का नाम बताए तो अमीबा इसको कॉज करता है अमीबा हिस्टोलिटिका नेक्स्ट क्वेश्चन बैक्टीरिया फॉर जेपनीज फीवर अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी तो क्योंकि इसका नाम भी ऐसा ही है जो ऑर्गेनिज्म इसको कॉज करता है उसका नाम है दैट इज जैपनीज इंसेफेलिटिस ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है और ये एक वायरल डिजीज है वायरस इसको कॉज करता है लेकिन बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है ये पूछा गया है तो ब्रेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड देयर पॉजिटिव एजेंट तो एड्स बेसिलस नो मलेरिया ट्रिपाइनोजोमा नो टाइफ यस टाइफॉइड जो है सालमोनेला टाइफिस को कॉज करता है गनोरिया वायरल डिजीज़ नो गनोरिया जो है स्टूडेंट एक इससे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि गनोरिया एक जो डिजीज़ है वो एस जैसे मैंने आपको बताया पहले भी जो आपका एड्स है वो भी एस टी डी डिजीज है वैसे ही गनोरिया भी एस टी डी दैट इज एक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म भी आप लिख लीजिए दैट इज ये भी मैंने किसी पेपर में क्वेश्चन अलग से देखा है क्योंकि ये एस टी डी का टॉपिक आपका फोर्थ चैप्टर से है इससे एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन मैंने कहीं प्रीवियस ईयर देखा है तो इसको नोट कर लीजिए आप यहीं पर गोनोरिया वैसे ये पूरा टॉपिक जो है एस टी डी वाला ये आप पढ़ सकते हैं चैप्टर नंबर फोर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नेक्स्ट क्वेश्चन है फेब्रीन इज अ डिजीज ऑफ तो ये डिजीज जो है स्टूडेंट सिल्क वम सिल्क वम से कोरिलेट करती है और इसे हम पेपर डिजीज भी कहते हैं और ये एक प्रोटोजोन डिजीज है ये भी ध्यान में रख लो क्योंकि कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये प्रोटोजोन डिजीज है नेक्स्ट क्वेश्चन डिजीज ऑल्सो कॉल्ड दमदम फीवर इज तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया अब आप इसको खुद सॉल्व करिए नेक्स्ट क्वेश्चन मॉर्फिन इज ऑप्टेन फ्रॉम स्टूडेंट ये जो आपका चैप्टर में भी करवा रही हूँ इसके एंड में कुछ जैसे ड्रग्स एल्कोहल अब्यूज वगैरह के बारे में दिया हुआ है तो उस पोर्शन में मॉर्फिन कोका कोका जो ड्रग्स हैं उनके बारे में देके रखा है वो पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है इस जो पोर्शन में जो है मैंने देखा कि एक पेपर में ज्यादातर वहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे कि ये क्वेश्चन है मॉर्फिन इज ऑप्टेन फ्रॉम तो मॉर्फिन जो है यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पेपेवरम सोमनीफेरम जिसे कॉमन ये साइंटिफिक नेम है पॉपी प्लांट इसे कहते हैं नेक्स्ट और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे नोट कर लो इस जो प्लांट का कैप्सूल अनराइप्ड कैप्सूल होता है उसके लेटेक्स से जो लेटेक्स निकलता है कि मान लीजिए ये इसका कैप्सूल है और इससे निकलने वाले लेटेक्स से इस कट लगाए जाते हैं और उस लेटेक्स से फर्दर इसका जो मॉर्फिन है ये बनाया जाता है स्मैक ड्रग ऑप्टेन फ्रॉम यस देखिए स्मैक जो है हम कॉमनली मॉर्फिन की ही एक फॉर्म को कह सकते हैं मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा लेके चलूंगी दैट इज देखिए केमिकली स्मैक को कहा जाता है दैट इज डाईटाइल मॉर्फिन और ये बनाई कैसे जाती है ये बनती है इट इज ऑप्टेन्ड बाइलेशन एसिटाइलेशन करेंगे प्रोसेस ऑफ किसका मॉर्फिन का और मॉर्फिन हमें से से मिल है? से मिल रही रही है है लेटेक्स पॉपी प्लांट के जो कि हमें उसके कैप्सूल कैप्स्यूल कैप्सूल से मिलता है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी कॉफी एंड कोका तो टी और कॉफी वगैरह में आपको पता ही कॉमन क्वेश्चन है कैफीन होता है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट Opium, तो वही अगेन ये क्वेश्चन पूछ रखा है ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा राइट right? तो आप देख रहे हैं दो तीन बार इससे क्रॉनिक इनटेक का मतलब है लंबे समय से इस्तेमाल किया जाना जो चीज है तो एल्कोहल जब लंबे समय तक लेते हैं तो उससे लीवर सड़ना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे एल्कोहल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउस क्या स्प्रेड करती है हाउस फ्लाई कौन सी डिजीज होगी यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे टाइफाइड हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉक जो इज द लास्ट फेज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डिप्टीरिया निमोनिया सिफ़िलिस एंड टेटनिस तो लॉक जो डिजीज भी से कहते हैं ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मैंने आपको एस पहले भी बताया गनोरिया जैसे अभी बताया नाइजीरिया उसको कॉज करता है तो ये जो सिफिलिस है ये भी एक तरह की एस है दैट इज़ एक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ये एम जब कम्प्लीट हो जाएंगे थोड़ा सा मैं आपको एस के बारे में लास्ट में बता दूंगी राइट तो जब ये एम इसके खत्म होंगे उसके बाद आप बने रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेरिडिट्री डिजीज़ तो हमने जो चैप्टर पिछले किए जेनेटिक्स के तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कौन सी जेनेटिक डिजीज है बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है आप इसको खुद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज़ इज़ करेक्टली मैच्ड तो अब देखते हैं टेटनिस बीसीजी नहीं मैंने आपको करवाया कि टेटनिस किसके लिए दिया जाता है टीबी के लिए दिया जाता है दैट इज ट्यूबर क्लॉसिस के लिए एटीएस नो no. अब यहाँ पे मलेरिया जो है क्लोरोक्यून ये सही हो जाएगा स्कर्बी जो है वो थायमिन नो क्योंकि स्कर्बी जो है विटामिन सी से होता है और थायमिन विटामिन बी से रिलेटेड है तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा ओके अब यहाँ पे जो ए टी एस लिखा हुआ है ये टी एस क्या है दैट इज एंटी टैटेनिसमेनिस से रिलेटेड है तो ये आप ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यून द क्योर ऑफ मलेरिया इज ऑबटेन फ्रॉम बार्क ऑफ तो क्यून जो यूज होती है किस प्लांट के बार्क से उसे लिया जाता है ऑप्शन डी सिन कोना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तो अब बात करती हूँ मैं आपका जो टॉपिक दैट इज एस टी डी बिकॉज मैंने बताया कि ये भी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है सारे नाम नोट कर लीजिएगा जो जो एस टी डी हैं देखिए एक तो हम बता चुके हैं आपको कि एड्स जो है फिर इसके बाद मैंने आपको गोनोरिया बता दिया गोनोरिया ये वायरल डिजीज है ये बैक्टीरियल है फिर एक हमें मिला था सेफिलिस तो ये भी एक एस है और ये भी बैक्टीरियल है हेपेटाइटिस बी मैंने आपको बताया ये भी वायरल है फिर नेक्स्ट है दैट इज क्लीमाइडिया ये भी एक बैक्टीरियल है इसके बाद है जेनेटल वाट ये सारे नाम आप लिख लीजिए ये वायरल है स्टूडेंट ठीक है वाट और इसके बाद एक है नेक्स्ट दैट इज कैंडियासिस ये यीस्ट इन्फेक्शन है ठीक है ईस्ट भी कॉज करता है डिजीज और वो एक कौन सी डिजीज है दैट इज एक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है यहाँ पे आप नोट कर लेंगे जो मैंने आपको एक डिजीज बताई दैट इज सिफिलिस इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म दैट इज ट्रिपोनिमा दैट इज स्पीशीज है पेलीडम राइट right? ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये था आज का हमारा जो टॉपिक था नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए बताया गया है कि कौन सी प्लेलिस्ट आप पढ़ सकते हैं आपने पेपर की प्रिपरेशन के लिए तो उस पोर्शन को आप देख सकते हैं अगर आपने पहले नहीं देखा है और नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो इसके बाद रहेगा वो ह्यूमन फूड प्रोडक्शन को लेकर रहेगा स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन चैप्टर नंबर नाइन क्लास प्लस टू उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एंड स्टूडेंट अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप लाइक like और कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर स्टूडेंट्स so ये है हमारा चैनल अभी तक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेवन फिफ्टी सिक्स वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं अब इनमें से क्या चीज इम्पोर्टेंट है क्या नहीं इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ चलिए प्लेलिस्ट सेक्शन में चलते हैं सो so स्टूडेंट ये है प्लेलिस्ट सेक्शन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ की आपको क्या चीजें पढ़नी है यहाँ पे ये अभी मैंने एक वीडियो यहाँ पे डाला है इस प्लेलिस्ट में यहाँ पे एचपी टेट टॉपिक वाइज में सिर्फ एक वीडियो है यहाँ पे मैं वीडियो प्लस आपको करूंगी ऐड करूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें क्या रहेगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे उनके कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको एमसीक्यू जो पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं वो हम लोग करेंगे आफ्टर दिस ये है स्टूडेंट 2022 के लिए है, अगर आपको नहीं आती है, ठीक है गड़बड़ है आपकी, तो भी मैंने करवा हैं। यहां पे, जो मैंने मतलब अदर प्लेलिस्ट में भी फिजियोलॉजी के टॉपिक करवाए थे वो सारे मैंने इसी में add, एक जगह ऐड कर दिए हैं जो मैंने बूस्टर सीरीज में भी करवाए हैं डाइकोट मोनोकॉट से क्वेश्चन आते हैं क्या होती हैं वो चीजें ठीक है ये आपको समझना है C3, C4 सी फोर प्लांट आपको अंडर लिख देखो छोटी छोटी वीडियो फोर मिनट की है तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपको चीज़ें समझ भी आने लगेंगी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें क्या होता है फिर लाइट एंड डार्क रिएक्शन क्या होता है पी एस वन पी एस टू सिस्टम मतलब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट बहुत ईजिली चीज़ें करवाई हुई हैं आपको बहुत हेल्प करेंगी आफ्टर दिस आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वही देखिए वो मैंने आपको एक टेबल बताया था यही वो वीडियो है यहाँ पे इस सेक्शन में ठीक है आपको प्लांट फिजियोलॉजी सेक्शन मिल जाएगा और आप देख पा रहे हैं साइकिल और यहां पे क्लोरोफिल के बारे में जितने भी क्वेश्चन है और यहां पे मैंने क्लोरोफिल एमसीक्यू भी करवाए हैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वो होंगे आफ्टर दिस सेकंड प्लेलिस्ट देखते हैं सो प्लांट फिजियोलॉजी के बाद केमिस्ट्री फॉर बिगिनर है ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए जो बिगनर्स हैं केमिस्ट्री पढ़ना बोरिंग लगता है ये समझ में नहीं आती उनके लिए यहाँ पे अभी तक मैंने थर्टीन पार्ट्स अपलोड करे हैं इस वाली वीडियो में मैं रेगुलर अभी वीडियोज डाल रही हूँ अभी टैट के लिए भी आपको हेल्प करेंगी और वैसे भी अगर आप केमिस्ट्री कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो भी केमिस्ट्री के एम के लिए यहाँ पे आपको वीडियोज मिलेंगी जिसमें जो एम हम एक्चुअली करते हैं स्टूडेंट्स उस एम का जो कंसेप्ट होता है वहाँ से

Uh, यहाँ पे टीजीटी कमीशन के लिए है जो कि अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यस दिस सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेली बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होते हैं एम सी क्यू हम बहुत सारे करवा रखे हैं अभी और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं आफ्टर दिस बॉडी ऑर्गन सीरीज आप इस सीरीज को एक बार ओपन करके देखना और इसको पढ़ के देखना आपको मजा आ जाएगा मतलब ये सीरीज आपको पता है लीवर बैंकोरिया स्टमक हो गया लंग्स हो गए हर्ट हो गया ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको ये पता है और इनको uh, सारी इंफॉर्मेशन uh, हर जगह से लेके आना इट इज़ नॉट गिवन इन एन आप नहीं कह सकते ऐसा कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन एन में है आपको अलग अलग जगह से ढूंढ के चीजें लेके आना और एक वीडियो में रिप्रेजेंट मैंने कर रखी हैं आप इस वीडियोस को इस प्लेलिस्ट की जो वीडियो है उनको देखेंगे आपको जरूर जो है एक मतलब सेटिस्फेक्शन इस चीज से होगा कि नहीं टॉपिक आप आप सेटिस्फाई होंगे कि टॉपिक की पूरी नॉलेज आपको मिल पाई है ये प्लेलिस्ट मैंने इस तरह से डिजाइन करा है और बहुत मेहनत मैंने इस प्लेलिस्ट में करा है केमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं एचपी टेट के विच इज इंपॉर्टेंट आगे मैं ये मैंने पोइट्री लिखी थी येस टॉप हंड्रेड एनसीईआरटी प्लस टू क्लास के वीडियोज हैं इसमें चैप्टर्स जो है मैंने करवाए हैं जैसे कि मान लीजिए मैं आपको प्लेलिस्ट ओपन करके दिखा देती हूँ फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर वन के हैं हंड्रेड क्वेश्चन वैसे कुछ चैप्टर छोटे होते हैं उनमें से हंड्रेड क्वेश्चन नहीं बन पाए हैं ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन फ्लॉरिंग प्लांट का है ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी कर चुके हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ है स्टूडेंट ये भी हो चुका है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन फिफ्थ चैप्टर भी हो चुका है एंड योर एट्थ चैप्टर है वो भी कर लिया है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आप एनसीईआरटी uh, को ख़ुद नहीं पढ़ना चाहते तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो बने बनाए मिलेंगे आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है अभी टाइम कम है इसलिए आफ्टर टॉप हंड्रेड एन सी आर टी टारगेट एच पी टैट बायोलॉजी सेक्शन जो कि हमने स्टूडेंट्स लास्ट टाइम लास्ट ईयर जो है वो करा था ट्वेंटी वन में ये सेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है इसकी जो एंड वाली वीडियो है पेपर के टाइम बैक टू बैक हमने करी थी बहुत केमिस्ट्री कैप्स्यूल सीरीज को आप कर सकते हैं इसमें केमिस्ट्री करी थी लास्ट टाइम टेट के लिए बायो मॉलिक्यूल की सीरीज़ है ये नोटिफिकेशन एंड सिलेबस के बारे में यहाँ पर वीडियोज रहती हैं एंड वन मोर बायो बूस्टर सीरीज को मत छोड़ना ठीक है ये छोटी छोटी वीडियोस इसमें होती हैं स्टोरी इस प्लेलिस्ट में कंसेप्ट ऐसे होंगे कि जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होते फॉल्स फिशिस वाले क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं सेल डिवीजन वाले आते हैं वेनेशन वाले क्वेश्चन हैं डिसऑर्डर्स यहाँ पे हैं आप देख पा रहे हो देखो जिस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट रेप्लीकेशन ऑफ डॉन ये फोटोसिंथेसिस वाले जो फिजियोलॉजी की पोर्शन था वहाँ से मैंने इसको अलग कर दिया हुआ है ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल मतलब क्लासिफिकेशन से जो चीजें मैंने करवा रखी हैं अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं और टॉप हंड्रेड एनसीआर टी चैप्टर कुछ मैंने प्लस वन के भी करवाए हैं ये भी आप देख सकते हैं ये आपका टाइम सेव करेगी जो टॉप हंड्रेड वाली वीडियो है वो आपके टाइम सेव करेगी क्योंकि क्वेश्चन बने बनाए इसमें हैं एनिमल किंगडम को आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपके पास ये वाला प्ले है इसमें सारे ही क्वेश्चन मैंने मतलब ये पॉइंट्स की फॉर्म में बना रखे हैं तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा फिर आपको एच पी के प्रीवियस ईयर ये वाले तो मतलब आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है यहाँ पे पेपर करवाने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है कि मैं हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन बताती हूँ और कंसेप्ट भी साथ में लेके चलती हूँ तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं नाइन्थ क्लास बायोलॉजी में आपको मिल जाएगा जो मैंने टिश्यू वाला चैप्टर एक बताया यहाँ से और ये कुछ अदर प्ले लिस्ट है टेंथ क्लास की और ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर आपको देखनी है प्ले लिस्ट तो लास्ट में अवेलेबल है ये सारी प्ले लिस्ट अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है समय कम है आप बिजी रहते हैं दिन भर तो अब आपको करना क्या है अब आपको यूट्यूब से चैनल से किस तरह से हेल्प मिलेगा आपको प्लस वन और प्लस टू की जो टॉप हंड्रेड एन वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको चैप्टर वाइज करवाए हैं उनको देखना है बने बनाए क्वेश्चन वहां पे हैं इसके बाद फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट फिजियोलॉजी के लिए फिजियोलॉजी के लिए आपको प्लांट फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी है उनको करिए फिर इसके बाद आप करिए बायो बूस्टर सीरीज काफी टाइम से मैंने इसमें भी कोई वीडियो डाली नहीं है बट ऑलरेडी इसमें काफी ज्यादा पार्ट्स बन रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़िए आप इसके बाद स्टूडेंट बॉडी ऑर्गन सीरीज मत छोड़ना इसे बॉडी ऑर्गन की सीरीज है उसे करिए फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्ले है उसको देखिए आफ्टर दिस आप जो आप लोग जो है बायोलॉजिकल uh, क्लासिफिकेशन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको देखिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज डेली एमसीक्यूज जो आते हैं बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी करते हैं तो ये आपको करने हैं अगर आप इतना कर लेते हो इसको अच्छे से कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स बायोलॉजी में आएंगे और आप सेटिस्फाइड होंगे इस चीज़ से ठीक है तो यही था आज का हमारा जो टॉपिक था ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्लानिंग करना आपके सब्जेक्ट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट अभी बायो के लिए प्रीवियस ईयर एम लेके मैं आने वाली हूँ विद कंसेप्ट विद चैप्टर वाइज कंसेप्ट ठीक है कंसेप्ट भी रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे आपको बहुत मजा आएगा जो भी मैं पार्ट लेके आऊंगी चाहे मैं कम ही पार्ट अपलोड करूँ लेकिन वो क्वालिटेटिव रहेंगे मेजर चैप्टर्स को लेके रहेंगे जेनेटिक्स फिजियोलॉजी रिप्रोडक्शन एनिमल रिप्रोडक्शन प्लांट रिप्रोडक्शन सेपरेटली एंड योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन माइक्रोब्स का क्या यूज है एंड योर इकोलॉजी आल्सो तो इस तरह की वीडियो मैं लेने वाली हूँ आगे और केमिस्ट्री की वीडियो आपके लिए आ ही रही हैं तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो आप लाइक जरूर कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर